वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माइशेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 8। ठीक है, पिछले 7 लेक्चर्स में हम पूरी ब्रीफ स्टोरी पढ़ चुके हैं कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म जनरेट हो रहा था। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो पिछले लेक्चर में हम लोग वियना कांग्रेस के बारे में देखे थे, जिसमें यूरोपियन पावर्स नेपोलियन को वाटरलू पे डिफीट करने के बाद यूरोप के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बना रही थी, यूरोप को मीन्स सेफ करने के लिए, ताकि फ्रांस फर्दर एक्सपांसन ना कर सके और बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे। उसमें मेन पॉइंट था कि मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था उसको रिस्टोर करना, मीन्स कंजर्वेटिव थिंकिंग के ये लोग थे, पुराने रूढ़िवादी सोच के थे। ठीक है, अब 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना होने के बाद फर्दर यूरोप में क्या चल रहा था सोसाइटी में, ये हमें देखना है इस लेक्चर में। ठीक है, देखो 1815 में जब कंजर्वेटिव्स अपनी पावर गेन कर लिए, दोबारा मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टोर हो गई, रिस्टोर हो गई, उसके बाद जो कंजर्वेटिव्स थे वो किसी भी रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग को ग्रो नहीं होने देते थे। जिनके भी रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग होती थी, जो भी मिडिल क्लास के लोग थे जो आवाज उठाना चाहते थे, उनको रिप्रेस कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। ठीक है, अब देखो रिप्रेस करने के बाद उन्हें अपना मौका नहीं मिलता था अपनी बातों को रखने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, 1815 के बाद ईयर ऑफ रिप्रेशन चल रहा था, लोगों को दबा दिया जा रहा था, लोगों के पास मौका नहीं था कुछ डिस्कस करने के लिए, तो लोग अब डायरेक्टली ओपनली तो बोल नहीं सकते, तो लोगों ने शुरू किया कुछ सीक्रेट ग्रुप्स बनाना, जिसको सीक्रेट सोसाइटीज कहा जाता था। सीक्रेट ग्रुप्स किसके लिए, तो सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड टू अपोज, किसके लिए बना था, तो टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो मोनार्की सिस्टम रिस्टोर हो चुकी थी उसको अपोज करने के लिए क्या बना था, सीक्रेट सोसाइटीज। ठीक है, टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, खुद की आजादी के लिए, खुद की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के लिए, फाइट करने के लिए ये सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म हो रही थी। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें 1815 के बाद की है, 1815 के बाद जब उन्हें रिप्रेस किया जा रहा था, अपनी आवाज नहीं उठाने दी जा रही थी, तब ये लोग अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, अब इस ग्रुप में, इस सोसाइटी में जो रिवॉल्यूशनरी लोग उभर रहे थे आवाज उठाने के लिए, उन लोगों में एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वो आता है गिसिपी मजीनी। क्या है, गिसिपी मजीनी, आगे और पढ़ोगे गिसिपी गरिबल्दी हैं। ठीक है, तो ये लोग, उसका कैबर का नाम आएगा, तो ये लोग आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इन लोग के बारे में, फिलहाल यहाँ पे गिसिपी मजीनी की बात करेंगे। गिसिपी मजीनी कौन थे, बात यहाँ पे हो रही है रिवॉल्यूशनरीज की, तो गिसिपी मजीनी एक रिवॉल्यूशनरी थे। नाउ द क्वेश्चन इज कि कहाँ के रिवॉल्यूशनरी थे, तो ही वॉज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी। कहाँ के थे, इटली के थे, इटली मतलब ये इटली कंट्री की बात नहीं हो रही है, ध्यान देना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इटली द कंट्री इन प्रेजेंट, आज जो कंट्री है इटली उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इटली प्रोविंस की जो पहले थी। ठीक है, इटली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थी, छोटे छोटे पार्ट्स में, बाद में आगे चल के इटली यूनिफाई हुआ था, तो उसकी बात हम आगे करेंगे, फिलहाल यहाँ पे इतना जानूं कि यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है इटली प्रोविंस की, इटली, नॉर्थ इटली, साउथ इटली, सर्दिया, पाइडमोंट, ऐसे कई पार्ट्स में डिवाइडेड था जिसको बाद में यूनिफाई किया गया, तो ये अभी इटली था वहां पे जो प्रोविंस, उसके रिवॉल्यूशनरी थे। ठीक है, इनके बारे में जरा देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट अबाउट गिसिपी मजीनी। ठीक है, देखते हैं बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ, तो ही वॉज बॉर्न इन 1807, कहां पे, जिनोवा। जिनोवा इटली प्रोविंस का एक पार्ट है, इटली जो उस समय प्रोविंस था उसी का एक पार्ट है। ठीक है, जिनोवा, तो जिनोवा में 1807 में बर्थ हुआ था किसका, गिसिपी मजीनी का। सेकेंड, ही वॉज अ मेंबर ऑफ, बाद में आगे चल के वो मेंबर बने थे किसके, ही बिकेम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी इन कार्बोनरी। कार्बोनरी क्या है, तो ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी इन कार्बोनरी। कार्बोनरी खुद एक सीक्रेट सोसाइटी है, उस कार्बोनरी जो सीक्रेट सोसाइटी है उसके मेंबर बने थे। कार्बोनरी एक चारकोल मेकर्स का, इटलियन चारकोल मेकर्स का सीक्रेट सोसाइटी था, अपनी चीजों को डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे जो है बात की टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म एंड डिस्कस फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, इसी के लिए इटलियन चारकोल मेकर्स जो थे उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था कार्बोनरी। ठीक है, इसी कार्बोनरी के वो मेंबर थे, तो ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी इन कार्बोनरी। नेक्स्ट पॉइंट, बिलीव दैट, इनका क्या मानना था, तो ही बिलीव दैट गॉड हैज इंटेंडेड नेशन, गॉड हैज इंटेंडेड नेशन
to be a natural unit of mankind. God has intended nation to be a natural unit of mankind. सीधा कह सकते हो कि भगवान चाहते हैं कि जो नेशन है वो मानवता की एक यूनिट बने. यूनिट का मतलब कह सकते हो कि एक आधार बने, मीन्स कलेक्टिव रहे, अलग अलग पार्ट्स में नेशंस डिवाइडेड ना हो. जो नेशन है वो उसके सारे ह्यूमन्स, सारे लोग, सारे सिटीजन्स एक साथ मिलके रहें. बट इटली क्या था, अलग अलग प्रोविंसेस में टूटा हुआ था. हर प्रोविंस में अलग अलग लोग राज करते थे, अलग अलग किंगडम्स थे, अलग अलग मोनार्चिकल लीडर्स थे. ठीक है, तो इसको वो अपोज करना चाहते थे. मीन्स उनका मानना था कि भगवान ये चाहते हैं कि जो नेशन है वो यूनिफाइड हो, एकजुट, एक मतलब एक में जुटा हो. ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते थे कि इटली जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड ना हो और इटली एक यूनिफाइड कंट्री बन सके, यूनिफाइड नेशन बन सके, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो एक में यूनिफाई हो सके. तो आगे क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली. ये मानते थे कि इटली यूनिफाइड होना चाहिए. ठीक है, यहां तक क्लियर है ना. द नेक्स्ट पॉइंट इज एट द एज ऑफ 24, जब वो 24 साल के थे, तो एट द एज ऑफ 24 ही वॉज एग्जाइल, He was sent for exile. उन्हें देश निकाला दे दिया गया था. एग्जाइल का मतलब होता है देश से निकाल दिया जाता था. ठीक है, तो एट द एज ऑफ 24 ही वॉज एग्जाइल फॉर स्टार्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिंगोरिया. लिंगोरिया भी एक इटली की ही प्रोविंस है, इटली का ही एरिया है लिंगोरिया. वहां पे इन्होंने 24 ईयर्स के एज पे का मतलब इन 1831, क्योंकि 7 में इनका बर्थ हुआ था, तो 24 इयर्स के एज में मतलब 1831. ठीक है, एट द एज ऑफ 24 इन 1831 ही वॉज एग्जाइल फॉर स्टार्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिंगोरिया. लिंगोरिया में रिवॉल्यूशन किए थे, स्टार्ट किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, और इस लिंगोरिया के रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से इनको एग्जाइल कर दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था. अब देखो, देश से जब इन्हें निकाला गया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो आफ्टर ही वॉज एग्जाइल, उन्हें अपने देश से तो निकाल दिया गया इटली से, तो ही फाउंडेड, अब यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर बन चुके थे, तो अब जब यहाँ से निकल गया सीक्रेट सोसाइटीज, ये सीक्रेट सोसाइटीज भी 1831 में बंद हो चुकी गई थी. 1800 से 1831 तक ये सीक्रेट सोसाइटी चली थी, 31 में बंद हो गई थी. उसके बाद जब ये निकल गए इटली से, तो इटली से जाने के बाद इन्होंने अपनी खुद की दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई. पहली यंग इटली. यंग इटली कहाँ पे बनाए थे उन्होंने, तो मर्सेलेस. मर्सेलेस कहाँ पे है, तो पहले भी पढ़ चुके हो मर्सेलेस, क्लास 9th में भी पढ़े हो ला मर्सेलेस जो सॉन्ग था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. तो मर्सेलेस कहाँ पे है, ये फ्रांस में है. ठीक है, ये इटली से फ्रांस गए, फ्रांस में मर्सेलेस में इन्होंने खुद की एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, वो था यंग इटली. ठीक है, इसका मोटो था इटली को यूनिफाई करना और इटली में जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको अपोज करना. ठीक है, तो ही फाउंडेड यंग इटली इन मर्सेलेस. एंड एक और सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की उन्होंने, वो था यंग यूरोप. और इसको कहाँ पे फॉर्म की, तो इसको फॉर्म किए थे वो बर्न में. बर्न कहो या BERNE, स्पेलिंग याद रखना, बर्न बोलते हैं, बर्न. ठीक है, ही फाउंडेड यंग इटली अनदर सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली इन बर्न. ये कहाँ पे है, तो ये स्विट्जरलैंड का प्रोविंस है, स्विट्जरलैंड का पार्ट है. ठीक है, अब देखो, देश निकाला देने के बाद, एग्जाइल होने के बाद, इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की, पहला यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप. यंग इटली उन्होंने फॉर्म की थी मर्सेलेस में, जो कि फ्रांस में है, और यंग यूरोप उन्होंने फॉर्म किया था कहाँ पे, बर्न में, जो कि स्विट्जरलैंड में है. क्लियर है. नाउ लास्ट पॉइंट, देखो ये सारी चीजें होने के बाद, अब देखो ये जो दोनों सोसाइटीज थी ना, इसमें सिर्फ इटली के लोग नहीं थे, अदर प्रोविंस के लोग भी इनका साथ देते थे, क्योंकि लोग मानते थे कि जितने भी रिवॉल्यूशनरी है, जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, वो सारे लोग मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपोज करना चाहते थे. सिर्फ वो इटली के हैं ऐसा तो था नहीं, अलग अलग प्रोविंसेस के भी थे, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वो देख चुके थे, नेपोलियन का काम वो देख चुके थे, तो मोनार्किकल फॉर्म को वो अपोज करना चाहते थे. इससे अलग अलग प्रोविंस से भी लोग इन्हें ज्वाइन कर रहे थे, और ये एक बहुत बड़े एटम बम की तरह, सॉरी ये थोड़ा रेडिकुलस है बट एटम बम कह सकते हो, कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिससे वहाँ के जो कंजर्वेटिव थे उस टाइम वो बहुत डरने लगे. और ड्यूक मैटरनिच, ड्यूक मैटरनिच कौन थे, तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, ड्यूक मैटरनिच वॉज एन ऑस्ट्रियन चांसलर. ये क्या किए थे, जो कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था उसको होस्ट किए थे. दोबारा से यहाँ पे रिवाइज हो गया, कौन थे, ड्यूक मैटरनिच ऑस्ट्रियन चांसलर, जिन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना को 1815 में होस्ट किया था. तो वहां पे वो एक स्टेटमेंट बोले थे, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दोबारा वो बोले, क्या बोले, मैटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज, उन्होंने गिसिपी मज़ीनी को
क्या कहा, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मतलब कि ये हमारा जो सोशल ऑर्डर है, हमारा जो सोशल सिस्टम है, जो कंजर्वेटिव्स की थिंकिंग है, काम है, उसके सबसे बड़े इनिमी गिसिपी मजीनी ही हैं, क्योंकि यही लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक है, व्हाई ही सेड दैट, बिकॉज ही वाज द लीडर ऑफ टू इम्पॉर्टेंट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटीज, यंग इटली एंड यंग यूरोप, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट सोसाइटी थी, एक नहीं मीन्स दोनों इम्पॉर्टेंट सोसाइटीज थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप, तो ये दोनों के लीडर थे, इन्होंने ही फॉर्म किया था और ये लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था टू स्टार्ट द रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इनका मानना था कि ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ देयर सोशल लेवल, जो कंजर्वेटिव थे उनके सबसे बड़ी इनिमी यही थे, इनका मानना था। ठीक है, अब देखो ये तो इनका बस स्टेटमेंट था, इनके मानने से कुछ होना था था नहीं, क्योंकि अब ये सीक्रेट सोसाइटी बहुत लार्ज स्केल पे फैल चुकी थी और अब आगे पूरे यूरोप में धीरे धीरे रिवॉल्यूशन दोबारा से स्टार्ट हो रहा था, और इस बार जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा था वो फाइनल सॉल्यूशन लेके आने वाला था। तो इस लेक्चर में बस इतना है, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि इन रिवॉल्यूशंस की वजह से ये जो सीक्रेट सोसाइटीज बनी हैं, ये कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस की और आगे चल के क्या क्या यूरोप में चेंजेस देखने को मिले थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।